स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे आपका चैप्टर विंड स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। आज का हमारा टॉपिक है एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग। एयर क्या होती है? एक्सपेंड हो जाती है, फैल जाती है जब वो हीट उसे हीट करते हैं, गर्म होती है। तो ये समझने के लिए हमें एक्टिविटीज़ कुछ दी गई हैं, यहाँ से हम ये अंडरस्टैंड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक्टिविटी दी गई है, टेक ए बॉइलिंग ट्यूब। एक बॉइलिंग ट्यूब लीजिए, स्ट्रेच ए बैलून टाइटली ओवर द नेक ऑफ द ट्यूब, और एक बैलून को उसके नेक के ऊपर स्ट्रेच करके इसको लगा दीजिए। यू कैन यूज़ ए टेप टू मेक इट टाइट। आप उसको टाइट करने के लिए टेप का यूज़ कर सकते हैं। पाउच सम हॉट वाटर इन ए बीकर। एक बीकर में गर्म पानी डालिए। इंसर्ट द बॉइलिंग ट्यूब विद द बैलून इन द हॉट वाटर, और वो बॉइलिंग ट्यूब जिसके साथ बैलून लगा है आप उस गर्म पानी में रख दीजिए और ऑब्जर्व कीजिए 2 से 3 मिनट में कि क्या कोई चेंज आता है किसकी शेप में, बैलून की शेप में। टेक द ट्यूब आउट, उसके बाद उसे निकाल दीजिए। लेट इट कूल डाउन टू द रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे उसे ठंडा होने दीजिए। टेक सम आइस कोल्ड वाटर ले लीजिए दूसरे बीकर में, एंड प्लेस द ट्यूब विद द बैलून इन कोल्ड वाटर फॉर 2 to 3 मिनट्स। ऑब्जर्व द चेंज इन द शेप ऑफ द बैलून। फिर उसके बाद चेंज देखिए कि क्या बैलून की शेप में कोई चेंज आता है या नहीं। देखिए यहाँ जैसे फिगर में दिया गया है, यहाँ पे बैलून को टाई किया गया, वो बांधा गया है किसके साथ, उसके साथ बॉइलिंग ट्यूब के साथ। यहाँ पे हॉट वाटर में रखा गया है, यहाँ पे कोल्ड वाटर में रखा गया। सारी कंडीशन हमें शो की गई हैं, आपने इनके बारे में सोचना है और आंसर देने की कोशिश कीजिए। व्हाट मेक्स द बैलून इन्फ्लेटेड व्हेन द बॉइलिंग ट्यूब इज प्लेस इन हॉट वाटर। जब हमने बॉइलिंग ट्यूब को गर्म वाटर में रखा तो ये जो बैलून था थोड़ा इन्फ्लैट हो गया, उसका साइज़ जो था इंक्रीज़ हो रहा है, जैसे उसके बीच में हवा जा रही हो। Why is same balloon deflated when the cap tube is kept in cold water? जब हमने boiling tube को ठंडे पानी में रखा तो ये balloon देखिए कैसे deflated में सिकुड़ गया है। Can we infer from the first observation that air expands on heating? तो क्या ये वाली first observation से हमें ये अंदाज़ा लग सकता है, ये information मिल रही है कि air क्या हो रही है, expand हो रही है, फैल रही है balloon के अंदर heating करने पे। Can you now state what happens to the air in the boiling tube when it cools down? वो जो एयर इसके अंदर थी बैलून के अंदर, उसे क्या हुआ जब हमने इस टेस्ट ट्यूब को किसके अंदर रखा है, कोल्ड वाटर में रखा है, जिसके कारण इसकी शेप चेंज हो गई। द नेक्स्ट एक्टिविटी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, दिस विल मेक यू अंडरस्टैंड मोर अबाउट हॉट एयर। नेक्स्ट जो एक्टिविटी है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इससे आपको हॉट एयर के बारे में ज़्यादा समझ में आ जाएगा। इसमें हमने करना क्या है, 2 पेपर बैग्स लीजिए, एम्प्टी पेपर कप्स ले लीजिए सेम साइज़ के, और उन बैग्स को आप हैंग कर दीजिए, टांग दीजिए कहीं पे। जैसे देखिए यहाँ पे फिगर में आपको दिखाया गया है, ये देखिए आपने क्या करना है, एक स्टिक ले सकते हैं या मेटल ले सकते हैं, उसके साथ आपने इन बैग को क्या किया है, टांग दिया है यहाँ पे, ठीक है। दोनों सेम साइज़ के होंगे और टांगना है बैग को उल्टा करके, इन्वर्टेड करके टांगना है आपने इनको, और इनको इस तरह से टांगना है कि ये एक बैलेंस की तरह लगे। देखिए यहाँ पे ये बैलेंस पोजीशन में है, यहाँ पे ये बैलेंस की तरह लगने चाहिए। ये देखिए पूरे दोनों जो क्या है बैलेंस करके रखा है, थ्रेड को इस तरह से आपने सेंटर में बांधना है। उसके बाद क्या करना है, आपने बर्निंग कैंडल एक साइड पे रख देनी है बैग के नीचे और ऑब्जर्व करना है कि क्या होगा। तो वाई इज़ द बैलेंस ऑफ द बैग डिस्टर्ब, जैसा कि आपने फिगर में देखा कि जो बैलेंस था बैग का वो डिस्टर्ब हो गया। तो क्या ये एक्टिविटी आपको ये इंडिकेट कर रही है कि जो गर्म हवा है वो राइज ऊपर की साइड जाती है, एज द वार्म एयर राइजेज अप इट पुशेज द बैग ओवर द कैंडल, क्योंकि वार्म एयर ऊपर जा रही है इसलिए उसने पुश किया बैग को किससे, कैंडल से दूर कर दिया। डज द डिस्टर्बेंस ऑफ द बैलेंस सजेस्ट दैट द वार्म एयर इज लाइटर देन कोल्ड एयर, और क्या ये डिस्टर्बेंस आपको ये बता रही है कि जो गर्म हवा होती है वो ठंडी हवा से हल्की होती है। कैन यू नाउ एक्सप्लेन व्हाई स्मोक ऑलवेज राइजेस अप, तो आपने देखा होगा धुआं चाहे जो गाड़ियों से निकलता हो तो आप ये बता सकते हैं कि वो क्यों हमेशा ऊपर की साइड जाता है। Also, it is important to remember that on heating the air expands and occupies more space. और ये भी याद रखना ज़रूरी है कि जब हम हीट करते हैं एयर को तो वो एक्सपैंड हो जाती है, फैल जाती है, और क्या करती है, ऑक्यूपाई करती है ज़्यादा स्पेस घेरती है। मतलब सेम थिंग ऑक्यूपाई मोर स्पेस इज बिकम्स लाइटर, और जब कोई एक ही चीज़ ज़्यादा स्पेस कवर करती है तो वो क्या हो जाती है, लाइटर, हल्की हो जाती है। तो इसीलिए जो आपकी वार्म एयर है वो लाइट किससे होती है, कोल्ड एयर से हल्की होती है। यही रीज़न है कि स्मोक यूँ ऊपर की साइड जाता है। इन नेचर देर आर सेवरल सिचुएशन, हमारे नेचर में बड़ी सारी ऐसी सिचुएशन होती हैं जहाँ पर जो वार्म एयर है वो कहीं किसी प्लेस पे क्या होती है, राइज होती है, ऊपर की साइड जाती है। द एयर प्रेशर एट दैट प्लेस इज लोअर, वहाँ का जो एयर प्रेशर होता है वो कम होता है। द कोल्ड एयर फ्रॉम द सराउंडिंग एरिया रशेस इन टू इट फिल्ड स्पेस,
तो कोल्ड एयर जो होती है आगे पीछे की जिस एरिया से, सराउंडिंग एरिया से, वो वहाँ पे आ जाती है उस जगह को फिल करने के लिए। दिस सेट्स कन्वेक्शन इन एयर एज यू लर्न इन चैप्टर 4। ये आपको किसके बारे में बताता है कन्वेक्शन कैसे होती है एयर की, जो आपने चैप्टर 4 में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू।